अच्छा, मैंने कंप्लीट आप लोग को दिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट के, उसमें ये 13 पेजेस के जो बिल्कुल समराइज फॉर्म में है ये आप लोग को मैं डिलीवर किए हैं। अगर नहीं है तो मुझे मजीद मतलब तो दोबारा बता देना ताकि मैं डिलीवर कर दूंगी। कि मैंने शाहजेब को तो किए थे, शाहजेब और अक्सा को। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे अच्छा मैं बात, चेक करती हूँ, नहीं मेरे पास भी भेजे थे, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे थे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे कंज्यूमर्स आके, कस्टमर्स आके अपनी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हों। अब यहाँ पे डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं और डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं। समटाइम मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा होता है, समटाइम मैन्युफैक्चरर जो है वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा होगा। अब डायरेक्ट मार्केटिंग क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगी, जब मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर के हाथ में खुद से जाके प्रोडक्ट देगा, खुद से जाके डिलीवर करेगा उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के हैंड में, कंज्यूमर्स के हैंड में, दैट विल बी डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, और अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग करेगा तो वो बीच में किसी ना किसी को लेकर, या तो रिटेलर को लेकर आ रहा होगा या वो होलसेलर को लेकर आ रहा होगा। तो इस तरह के जो भी आपके पास हो जाएंगे दैट विल बी इनडायरेक्ट मार्केटिंग। अब यहाँ पे कस्टमर मार्केटिंग चैनल्स में आपके पास मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, समटाइम मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, देन कंज्यूमर। तो यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स आ रहे हैं कि किस किस तरह से हमारे पास चैनल मार्केटिंग होती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट चैनल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स या इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स क्या हो जाएंगे, इन दिस मार्केटिंग चैनल देयर इज द इंटरमीडिएट लेवल्स एंड द मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अप्रोच विद द कस्टमर। इन द डायरेक्ट मार्केटिंग देयर विल बी डायरेक्ट अप्रोच विद द कस्टमर। कोई भी ऐसी सर्विस या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स के पास टारगेट करें, ऐसे बिल्डर्स जो होते हैं, तो बिल्डर्स मोस्टली क्या होता है कि बिल्डर्स और कस्टमर के बीच में बहुत कम कोई एजेंट आता है, तो दैट विल बी डायरेक्ट मार्केटिंग। इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स क्या हो जाएंगे कि जहाँ पे बीच में कोई ना कोई ऐसा स्लॉट आ रहा हो, कोई ना कोई ऐसा चैनल आ रहा हो, लाइक होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आ गई, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, तो ये सब आपके पास कोई ना कोई चैनल आपके और कंज्यूमर के एंड में बीच में आ जाना, दैट विल बी इनडायरेक्ट मार्केटिंग। So in this marketing channel, there is one or more intermediary levels work to manufacture direct approach with the consumers. ठीक है, अब यहाँ पे distribution channel क्या था, कोई भी ऐसा place, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे consumer आके अपनी product या service से avail हो सके, ठीक है, वो service या product वहाँ पर available हो, that will be distribution channel. अब यहाँ पे टू टाइप, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत सारे थे, अब यहाँ पे टू टाइप्स जो है चैनल्स की, वो डायरेक्ट मार्केटिंग एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग। अच्छा, अब चैनल्स बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन, चैनल्स के अपने बिहेवियर क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से उन चैनल के बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास है चैनल कॉन्फ्लिक्ट। चैनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स के चैनल टू चैनल कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम क्या होता है कि होलसेलर का कॉन्फ्लिक्ट रिटेलर से हो जाएगा, समटाइम शॉपकीपर का कॉन्फ्लिक्ट कस्टमर से हो जाता है, या समटाइम कस्टमर का कॉन्फ्लिक्ट शॉपकीपर से हो जाता है या होलसेलर से हो जाता है, दैट विल बी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो बैक होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर चैनल कॉन्फ्लिक्ट में भी टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर। द फर्स्ट इज वर्टिकल मार्केटिंग कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग कॉन्फ्लिक्ट। अब वर्टिकल क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, इन वर्टिकल मार्केटिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा कि आपके पास होलसेलर, रिटेलर या जो भी प्रोड्यूसर है इनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मीन्स के टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल जैसे होता है, इसी तरह से आपके पास वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है। या तो मैन्युफैक्चरर का होलसेलर से हो गया, या होलसेलर का रिटेलर से हो गया, या होलसेलर का प्रोड्यूसर से हो गया है, तो ये सब आपके पास मार्केटिंग, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, होलसेलर टू होलसेलर, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है उसने दो या तीन होलसेलर को हायर किया हुआ है, वहां पर उनकी प्रोडक्ट डिलीवर हो रही होती है। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि एक को तो वो अपने पर यूनिट पे दे रहा था 12 रुपीज और एक से बात कर ली 18 रुपीज की, तो यहाँ पे दोनों होलसेलर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था, डील फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर जो डील बनाई थी उसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, या हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट इन मार्केटिंग क्या हो जाएगा,
कि होलसेलर टू होलसेलर कॉन्फ्लिक्ट या रिटेलर टू रिटेलर कॉन्फ्लिक्ट. अगर एक एरिया में टू शॉप्स थी और उनका सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट बिल्कुल सेम था जो स्टोर टाइप की थी, तो उन शॉप्स का जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे क्या हुआ कि वो जो प्रोडक्ट उस शॉप में प्लेस हुई नहीं है उसके कस्टमर्स बैक होना शुरू हो गए. दैट विल बी हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम. ये हम बात कर रहे हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक, लास्ट आपके पास है हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल. In the multi-channel distribution channels, a single firm set up two or more marketing channels to reach one or more customer set. किसी भी multinational company में हमारे पास two या more than two channels होते हैं. क्यों होते हैं? ताकि हम customers के end में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकें. इसी तरह से अगर advertising company है, तो एक company ने, एक multinational company ने दो या तीन advertising agencies को hire किया हुआ है. तो उन एजेंसीज का जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक मार्केटिंग फर्म थी उसने बिलबोर्ड्स का सारा अपना काम उठाया हुआ था, दूसरी मार्केटिंग फर्म थी उसने पेपर और प्रिंटिंग मार्केटिंग जो थी वो काम कर रही होती थी, तो यहाँ पे हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल क्या हो जाएगा या हाइब्रिड मार्केटिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा? दो कंपनीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना. अगर कंपनी ने कहा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस मंथ सेल ज्यादा हुई है, उसके रीजन ये बिलबोर्ड्स हैं, तो यहाँ पर प्रिंटिंग वाले ने कहा कि नहीं, मैंने प्रिंटिंग ज्यादा की थी, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुई हुई थी, मेरी प्रिंटिंग में ये चीजें थी, ये बेनिफिट हुए हैं हमारे कस्टमर्स को, तो इसका सेल ज्यादा हुई है. तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपके पास हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, ये दो चीजें मिक्स हुई हुई है. फर्स्ट आपके पास चैनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे आपके पास चार चीजें आ गई चैनल बिहेवियर के हवाले से. और जब हम बात करते हैं सिर्फ चैनल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्टिकल मार्केटिंग का रिपीट कर दें एक दफा. वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का देखो, चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं कि आपके मार्केटिंग चैनल्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना. अगर एक कंपनी है और उस कंपनी ने होलसेलर हायर किया हुआ है, फिर वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास, रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर के पास कस्टमर के पास जाती है. अगर यहाँ पर रिटेलर का कॉन्फ्लिक्ट किसी होलसेलर से हो जाता है, तो दैट विल बी वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन कोई भी हो सकता है. जैसे एक रिटेलर है, रिटेलर मीन्स कि कोई भी शॉप मौजूद है आपके एरिया की, उस शॉप वाले को स्लाइस जूस जो है वो पर पीस 12 रुपीज का पड़ रहा है. ठीक है, वो होलसेलर खुद से आके उसको देता है. एक और होलसेलर आ गया, उसने कहा कि मैं आपको पर पीस 8 रुपीज का दूंगा. तो यहाँ पे रिटेलर टू होलसेलर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा कि उसने अपने प्रीवियस होलसेलर से कॉन्फ्लिक्ट कर दिया कोई भी रीजन के लिए. दैट विल बी वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट. हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा कि रिटेलर टू रिटेलर या होलसेलर टू होलसेलर, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, और हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या था? जो डिफरेंट मार्केटिंग फर्म्स को हायर किया हुआ है किसी कंपनी ने, एग्जांपल ले नेस्ले की, तो नेस्ले ने अपने बिलबोर्ड्स के लिए किसी और कंपनी से बात की हुई है. एडवर्टाइजिंग जो होती है उनके चैनल्स पे या मीडिया पे, तो वो कोई और कंपनी कर रही होती है. इसी तरह से मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही होती है उनके प्रिंटिंग की, या न्यूज़पेपर में जो उनके एड्स प्रिंट हो रहे होते हैं, या कोई भी प्रिंटिंग मीडिया यूज हो रहा है मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए उन्होंने अपने किसी दूसरे कंपनी से बात की. तो नेस्ले के अपने मार्केटिंग चैनल तीन तीन हो गए. प्रिंटिंग के अलग कंपनी है, बिलबोर्ड्स के लिए अलग कंपनी है, और मीडिया के लिए अलग कंपनी. अब जब इन कंपनीज का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, प्रिंटिंग का हो गया, प्रिंटिंग का एडवर्टाइजिंग से हो गया, लाइक मीडिया वगैरह से हो गया, या मीडिया का कॉन्फ्लिक्ट बिलबोर्ड से हो गया, उस कंपनी से हो गया, तो दैट विल बी हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, आगे चले. नेक्स्ट है आपके पास रिटेलर. रिटेलर किसे कहते हैं? रिटेलर्स के हमें मल्टीपल टाइप्स हैं. बेसिकली रिटेलिंग इज दी ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दी सेलिंग गुड्स और दी सर्विसेज डायरेक्टली टू दी फाइनल कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल और फॉर देयर नो बिजनेस यूज. अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट रिटेलर के पास नहीं जा सकती, बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती है.
या अगर कोई होलसेलर कॉन्टेक्ट करेगा रिटेलर से जिसको तो दैट विल बी रिटेलिंग. रिटेलिंग बेसिकली क्या है, किसी भी गुड्स या सर्विस का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आना विद द कस्टमर और विद द कंज्यूमर, दैट विल बी द रिटेलिंग. ठीक है, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिटेलर हैं, मल्टीपल हमारे पास टाइप्स हैं. फर्स्ट आपके पास है स्पेशलिटी स्टोर, ये पर्सन एग्जाम में बहुत बार आया है, टाइप्स ऑफ रिटेलर के हवाले से या कौन से रिटेलर कौन सा वर्क कर रहे होते हैं, मीन्स वो रिटेलर वाला जो पर्सन है बहुत जो है फर्स्ट सेमेस्टर में मार्केटिंग में आ चुका है ये क्वेश्चन. हाँ भी आ चुका है, अगर कोई केस देते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के उसमें क्वेश्चन पेपर में, अगर आपके पास ये केस है या कि कंपनी ये वर्क कर रही है तो आप वहाँ पे किस टाइप के रिटेलर से कांटेक्ट कर रहे होंगे, तो उसे रिटेलर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. कुछ टाइप्स है यहाँ पर, अच्छा अगर हम नेट पर देखोगे तो समटाइम्स 15 टाइप्स भी आती हैं, सम 12 भी आती हैं, तो अलग अलग जगह में अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक टाइप्स मौजूद हैं. फर्स्ट है आपके पास स्पेशलिटी स्टोर. स्पेशलिटी स्टोर में क्या होता है कि कोई भी खास प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद होगी, लाइक अ रिटेलर स्टोर दैट दी कैरीज अ नैरो प्रोडक्ट लाइन विद अ डीप वैरायटी विद इन दैट लाइन. कपड़ा मार्केट, बाड़ा मार्केट, गोश मार्केट, ठीक है, ये सब का आपके पास क्या है, स्पेशलिटी प्लेस. स्पेशलिटी स्टोर क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, सॉरी डिपार्टमेंटल नहीं, मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ पे फिक्स हुआ हुआ है कि वहाँ पे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे बल्कि मेडिकल के ही होंगे, वो ठीक है बहुत ही ह्यूज साइज का था, दैट विल बी स्पेशलिटी स्टोर. कि किसी एक चीज में काफी डीप वैरायटी का मौजूद होना, दैट विल बी स्पेशलिटी स्टोर. सेकेंड आपके पास से डिपार्टमेंट स्टोर, कुछ हैंग हो गया मेरे को. सेकेंड आपके पास है डिपार्टमेंट स्टोर. डिपार्टमेंट स्टोर आपके पास क्या हो जाएगा कि किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में मल्टी कंज्यूमर प्रोडक्ट का मौजूद होना, लाइक अगर वहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट भी हैं, कुछ ग्रॉसरी के भी हैं, साथ में कुछ गार्मेंट्स के आइटम भी मौजूद हैं, तो दैट कुड बी अ डिपार्टमेंट स्टोर. एक छोटा सा स्टोर था लेकिन उस डिपार्टमेंट स्टोर में मल्टी आपके पास चीजें मौजूद थी. थर्ड है सुपर मार्केट. सुपरमार्केट्स आर रिलेटिवली लार्ज, लो कॉस्ट, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम, सेल्फ सर्विस. नाम से शो हो रहा है कि सुपरमार्केट क्या हो जाएगी कि उसका साइज बड़ा ह्यूज होता है, लाइक यहाँ पर हमारे पास कारफोर है या फिर इम्तियाज है, ये सब के पास क्या है, सुपरमार्केट. कि यहाँ पे साइज थोड़ा सा ह्यूज है, कुछ SOPs को फॉलो किया जाता है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे और मल्टी प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्लेस होती हैं, तो दैट विल बी सुपरमार्केट. ठीक है, सुपरमार्केट में और डिपार्टमेंट स्टोर में डिफरेंस क्या था, यहाँ डिपार्टमेंट स्टोर का साइज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा कम साइज होगा और डिपार्टमेंटल सॉरी सुपरमार्केट का स्पेस या साइज तो काफी ह्यूज होगा. बी आपके पास कन्वीनियंस स्टोर. कन्वीनियंस स्टोर जो हमारे घरों के पास जो भी स्टोर मौजूद होता है, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, जो डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स आप परचेज कर रहे हो, कुछ स्टेशनरी के आइटम है या फिर कुछ सैलून्स वगैरह जो घर के पास अवेलेबल हैं, कुछ सर्विसेज के एंड से कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, तो दैट विल बी कन्वीनियंस स्टोर. जैसे कुछ वेजिटेबल परचेज करने के लिए आप अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में नहीं जाओगे, ठीक है, तो जो रेगुलर यूसेज के प्रोडक्ट के लिए जो आपके नियरेस्ट स्टोर है, दैट विल बी कन्वीनियंस स्टोर. नेक्स्ट इज सुपर स्टोर. सुपर स्टोर और सुपर स्टोर इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ अ रेगुलर सुपर मार्केट दैट कैरीज अ लार्ज असॉर्टमेंट ऑफ द रूटीनली परचेज फूड एंड नॉन फूड आइटम. अच्छा, सुपर स्टोर में और सुपर मार्केट में डिफरेंस क्या है, मल्टी और डबल साइज के, मतलब सुपर मार्केट से इम्तियाज सुपर स्टोर है, सुपर मार्केट है, तो इम्तियाज सुपर मार्केट का साइज अगर बहुत ह्यूज हो जाएगा, वैसे हमारे पास यहाँ पर है नहीं ऐसा, लेकिन अगर कोई बहुत ही ह्यूज साइज की मार्केटिंग मार्केट प्लेस हो जाएगी, तो दैट विल बी सुपर स्टोर. तो सुपर स्टोर में आपके पास मल्टी प्रोडक्ट्स होंगे, आपके पास गारमेंट्स के भी आ रहे हैं, कुछ फर्नीचर के प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं और कॉस्मेटिक्स भी आ रहे हैं, ग्रॉसरी, फिर साथ में क्रॉकरी, वो मल्टी चीज़ें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी साथ में आ रहे हैं, तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ सुपर स्टोर. डिस्काउंट स्टोर क्या है कि लिमिटेड आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी लेकिन वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है.
कि डिस्काउंट स्टोर में काफी डिस्काउंटेड प्राइस में, लाइक कुछ यूनिटरी स्टोर्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में आपके पास चीजें मौजूद होती हैं, तो दैट वुड बी डिस्काउंटेड स्टोर जिनकी कमांड कुछ लिमिटेड स्टॉक पे लिमिटेड प्रोडक्ट्स पे ही होंगी। जी आपके पास ऑफ प्राइस रिटेलर, रिटेलर दैट बाइज और लेस देन रेगुलर होलसेलर प्राइस एंड सेल एट द लेस। समटाइम क्या होता है कि वो कुछ ऑफर्स आ जाती हैं कि वो 2 डेज की ऑफर है, 3 डेज की ऑफर है, आपको ये प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल रहा है, या कुछ सेल्स ऑफर जो होती हैं, तो दैट विल बी ऑफ प्राइस रिटेलर। ऑफ प्राइस रिटेलर में आपके पास फर्स्ट आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर, इंडिपेंडेंट यहाँ पर रिटेलर जो है वो इंडिपेंडेंट है कि वो उस प्रोडक्ट के प्राइस 1000 रख दे या 2000। ठीक है, फैक्ट्री आउटलेट, किसी भी खास फैक्ट्री से किसी प्रोडक्ट का आ जाना, जैसे अगर एक फैक्ट्री आउटलेट है, लिवाइस का फैक्ट्री आउटलेट है, तो वहां पर सिर्फ उसी की ही प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी, ये वो खास उस फैक्ट्री का ही आउटलेट मौजूद है। वेयरहाउस क्लब ऑफ प्राइस रिटेलर दैट सेल्स अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड नेम ग्रोसरी आइटम, अप्लायंसेस, क्लॉथ्स एंड द हॉट गुड ऑफ अदर्स ए गुड एट डीप डिस्काउंटेड। वही चीज जो ऊपर थी सुपरमार्केट वगैरह और सुपर स्टोर वगैरह जहाँ पे आपके पास कुछ रेट ऑफ प्राइस की कुछ ऑफर्स लगी हुई हैं, अगर इम्तियाज में ऑफर लग गई है कि नेक्स्ट 3 डेज तक यहाँ पे गारमेंट्स में 70% ऑफ रहेगा, या 14 अगस्त को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 60% का ऑफ रहेगा, या अगर मेट्रो में एक सेल लग गई कि जी इन 3 डेज के लिए जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सेल लगी हुई, तो दैट विल बी वेयर हाउस क्लब। कि मेट्रो में आपको मालूम है कि वहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन वो 3 दिन की वहाँ पे खास किसी चीज़ की ऑफर मिल जाना, कोई सेल लग जाना, तो दैट विल बी वेयर हाउस क्लब, जहाँ पे वो स्टॉक मौजूद होता है, मल्टी कंपनीज का स्टॉक मौजूद होगा, लेकिन वो साथ में कुछ ऑफर्स, कुछ डिस्काउंट ऑफर दे रहे होंगे, तो दैट विल बी वेयर हाउस क्लब। चेन स्टोर आपके पास क्या है, 2 or more आउटलेट दैट आर दी ओन एंड कंट्रोल बाय 1 रिटेलर। एक रिटेलर है और वो उसने 2 या 2 से ज्यादा कुछ आउटलेट्स बनाए हैं, जैसे लिवाइस के एग्जांपल लें तो उसके जितने भी आउटलेट्स होंगे, या जो जे डॉट है उसके जितने भी आउटलेट्स हैं, उन सारे जे डॉट के आउटलेट्स में सेल लगी भी होगी, तो दैट विल बी चेन स्टोर। फ्रेंचाइज, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फ्रेंचाइज का, कि फ्रेंचाइज किसे कहते हैं। अच्छा, सेशन एंड हो जाएगा, ये आपके पास लास्ट टॉपिक है फ्रेंचाइज का। फ्रेंचाइज बेसिकली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक एसोसिएशन बनाई जाती है, एंड दैट इज फ्रेंचाइज, या फिर इन द सेंस के कह सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें ऐसे फ्रेंचाइज की, एक सेकंड लेकर आओ, नहीं यहाँ से ऑफ कीजिएगा, एक मिनट।